मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड मॉर्निंग, और ये आज संडे है और रिया कर रही है अपना आर्ट वर्क, क्योंकि अभी अभी ड्राइंग क्लास से वापस आई है तो सर थोड़ा सा बताए हैं तो वो अपना कंप्लीट कर रही है आके। तो क्योंकि मुझे किसी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि रिया जो आर्ट वर्क करेगी वो ज़रूर दिखाइएगा, तो जब कंप्लीट होगा तब भी मैं शेयर करूँगी। वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनिदीपा। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने अपना लंच भी बना के तैयार कर लिया है और अभी निकल रही हूँ थोड़ा सा बाहर किशन के साथ, क्योंकि कल जितिया का नहान खान है तो मुझे अपनी ननद के लिए साड़ी लेना है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाजार और साड़ी लूँगी उनके लिए। और भी जितिया का जो सामान होता है वो सारा सामान मायके से जाता है हमारे तरफ से, तो हमारे तरफ के जितने भी जितिया करते हैं, मतलब मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर मेरे फैमिली में जो जितिया करते हैं उनका जो भी कर नहान खान का खाने पीने का सामान होता है, पूजा में चढ़ाने का सामान होता है, वो सारा मायके से आता है। तो मेरे मायके से भी आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि जितिया मैं भी करती हूँ और मैं ननद के लिए लेने जा रही हूँ सारा सामान जो भी पूजा का होगा। तो अभी जा रही हूँ, पहले साड़ी ले लूँगी उनके लिए, उसके बाद फिर सारा सामान लूँगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ और आज संडे है तो बच्चे भी ड्राइंग क्लास से आ गए हैं और मैंने आपको दिखाया क्राफ्ट कर रही थी रिया अपना कंप्लीट कर रही थी, तो रिया ने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, लंच बना हुआ है, तो अगर लेट होता है तो बच्चे लंच कर लेंगे क्योंकि फिर 2:30 से रिया का ट्यूशन है। तो मैं निकल रही हूँ मार्केट और ये है सारा प्रसाद जो कि मैं जा रही हूँ ननद के यहाँ पहुँचाने के लिए, थोड़ी देर के बाद जाऊँगी। ये है साड़ी और ये है मूँग, गोटा मूँग, चना, चूड़ा, गुड़, दही, ये है खीरा, और जो खीरा चढ़ता है प्रसाद में वो इस तरह से पत्तों के साथ वाला खीरा चढ़ता है तो वो मैंने लिया है, और वो वाला खीरा जो है उधर वो घर का है जो कि किशन लेकर आए हैं गांव से। और ये है और ये भी है, ये सारा जो प्रसाद है ये पूजा में चढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें लेकर जाऊंगी मैं अपनी ननद के यहाँ। रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ अपने ननद के यहाँ सारा पूजा का प्रसाद पहुँचाने के लिए। तो मैंने पहनी है पर्पल कलर की साड़ी, तो मैं रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ ननद के यहाँ। और मैं आ गई हूँ घर और अभी थोड़ी देर पहले आए, मैं नहीं वहाँ पे शूट कर पाई कुछ क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग मिले थे, तो मैं, मेरी ननद, वहाँ भगनी भी आई हुई थी हमारी, तो सबसे गप उप करने में टाइम सारा बीत गया और मुझे उस समय उतना ध्यान भी नहीं था कि मुझे शूट करना है। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने कुछ शूट नहीं किया तो नहीं पॉसिबल हो पाया, तो कोई बात नहीं। और अभी अभी मैं आई हूँ और हम लोगों ने खाना वहीं पे खाया, मैंने और किशन ने, तो खाना खाकर आई हूँ वहाँ से, और रिया ने रोटी बना के और रोहित दोनों ने डिनर कर लिया था क्योंकि सब्जी मैं बना के गई थी, तो रिया रोटी बना ली थी और रोहित और रिया दोनों डिनर कर चुके हैं। और थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह हैं वो क्लीन करना है मुझे, तो मैं जा रही हूँ अभी किचन क्लीन करूँगी, पहले ड्रेस चेंज कर लूँगी और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह क्लीन करके सो जाऊँगी क्योंकि कल सुबह बच्चों के स्कूल है। तो बस इतनी सी थी बात, तो मैं जाती हूँ पहले काम कर लूँ अपना। गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे यानी कि मंडे, और ये सारी चीज़ें जो है मेरे पापा के यहाँ से आया है सुबह में खाने के लिए, और ये है चूड़ा यानी कि पोहा, तो ये गांव का चूड़ा है और मम्मी गांव गई हुई थी तो वहाँ से लाई हुई है, तो ये बहुत टेस्टी होता है गांव का चूड़ा, तो बहुत अच्छा होता है, तो ये लाई है तो मेरे पापा भी पहुँचाने आए थे, तो ये है चूड़ा और ये ढेर सारा चूड़ा पापा लाए हैं, और ये है दही के पैकेट, गुड़, और ये है दूध, और ये है मूंग और चना, ये फल प्रसाद के लिए, और मूंग और चना जो है ये मेन होता है, चना जितिया में चढ़ाने के लिए हम लोगों के यहाँ, तो ये सारा जो प्रसाद है ये चढ़ेगा और ये सुबह का खाने का मेरा, मतलब आज नहान खान के दिन, तो ये सारा चीज़ लेकर पापा भी सुबह में आए। और अभी हो रही है सुबह के 11:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है,
और मैं नहा के, मैंने पूजा किया, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी अपना नहान खान का खाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पापा 8:30 बजे मेरे पापा आए थे और जितना आज के दिन का जो खाना पीना होता है तो वो जो सुबह का नहा के खाया जाता है वो मैके से आता है, तो मेरे पापा लेके आ गए हैं सुबह का सुबह सुबह। और मैं जो रात में खाऊंगी, कुछ नियम के चीज़ होते हैं तो जो मैं रात में खाऊंगी आज, तो वो भी मेरे मैके से आएगा, तो पापा मम्मी हो सकता है शाम को आए दोनों, या फिर हो सकता है पापा अकेले आए और लेके आएंगे। उन्होंने कहा है कि मम्मी बनाएगी तो ला देंगी। और अभी दही चूड़ा हम लोग खाते हैं, चूड़ा मतलब पोहे और उसके साथ दही और गुड़, तो वो मैं अभी खाऊंगी और किशन भी हैं तो किशन भी खाएंगे और दोनों बच्चे स्कूल गए हैं तो इसी तरह से चल रहा है। तो चलते हैं और करते हैं ब्रेकफास्ट। गुड इवनिंग, और अभी हो रही है शाम, और शाम हो गई है और मैं थोड़ी देर सो गई थी लंच करने के बाद, तो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि थोड़ा सा कुछ कुछ काम कर रही थी तो नहीं शूट कर पाई लंच करना, और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। और अभी शाम हो रही है, मैं उठी हूँ और मुँह हाथ धो के उसके बाद किशन ने पूजा की घर की, और अभी मैं कुछ कर रही थी काम, और अभी थोड़ी देर के बाद मेरे मम्मी पापा आएंगे, और जो क्योंकि अभी फ़ोन आया था उनका तो अभी आ रहे हैं। और जो जो चीज़ें होती हैं अभी नियम के, मतलब हम लोग जो रात में खाएंगे वो सारी चीज़ें मम्मी लेकर आएंगे अभी, तो क्या लाएंगी वो भी दिखाऊंगी। और ये है मेरा भतीजा गोविंदा, तो वो भी आया है मेरे मम्मी पापा के साथ और वो लोग अभी अभी आ रहे हैं। और ये हैं मेरे पापा। और यहाँ पर मैं अपने भतीजे को स्माइली लगा रही हूँ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने उसके लिए भी खरीदा है एक, तो उसको लगा रही हूँ। उसने मेरा वीडियो देख के कहा कि हाँ आपने मेरे लिए स्माइली ख़रीदा है, मुझे पता है तो वो मैं उसको लगा रही हूँ और उसको स्माइली बहुत पसंद है। और यहाँ पर रोहित के साथ गोविंदा खेल रहा है वीडियो गेम, दोनों भाई मिलकर खूब मस्ती कर रहे थे और रोहित उसको न्यू गेम सिखा रहा था, उसको वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है तो वो न्यू गेम देख के बड़ा ही खुश हो रहा था। और थोड़ी देर रुकने के बाद मेरे मम्मी पापा वापस जा रहे हैं, तो गोविंदा आगे आगे जा रहा है।
और ये सारी चीज़ें लेकर मेरी मम्मी आई हैं। ये है पुआ, मीठा पुआ चावल का, और ये है पम्पकिन, और ये है मुरमुरे यानी कि मुड़ी, और मैं आपको दिखाती हूँ उधर से, और ये है छिलके जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये एक झारखंड की रेसिपी है, और ये है सेहली, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था सेहली की रेसिपी। मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं कि ये कैसे बनता है। ये बहुत टेस्टी होता है। और ये है एक मैक्सी ड्रेस जो कि मम्मी लाई है, इसको भी मैं कल पहनूंगी, और एक सूट दी है मम्मी जो कि मैं पूजा के टाइम पहनूंगी। मेरे मम्मी पापा भी आए थे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारा सामान लेकर आए हैं मेरे खाने पीने का, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं अभी खाऊंगी रात में, क्योंकि कल सुबह से मेरा फास्ट शुरू हो जाएगा, और ये जो फास्ट होता है ये दिन भर का निर्जला फास्ट होता है, कल सुबह से मुझे पानी भी नहीं पीना है। तो इस तरह से तो जितना भी चीज़ें हैं खाने पीने का वो मम्मी के घर से आता, तो मम्मी पहुँचा दी आज, और कल जो मेरा सूट है जो कि मम्मी ने पूजा के टाइम पहनने के लिए दिया है, तो वो मैं उस टाइम जब पहनूंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की थी कि मैंने सूट स्टिच करने के लिए दिया है, तो इसलिए तो जब मैं कल पहनूंगी तो दिखाऊंगी कि कौन सा ड्रेस मेरी मम्मी पापा ने दिया है। और एक ये मैक्सी ड्रेस मम्मी अभी लेकर आई है जो कि कल सुबह में मैं नहाने के बाद पहनूंगी, और सूट मैं उस समय ही दिखाऊंगी जब पूजा के टाइम पहनूंगी। तो बस इसी तरह से, और अभी अभी मम्मी पापा गए हैं और किचन गेट बंद कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद हम लोग डिनर करेंगे, तो आज तो कुछ बनाना नहीं है, सब कुछ मम्मी बना के लाई है, तो यही सब हम डिनर करेंगे रात में। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आप लोगों के यहाँ क्या रिचुअल्स होते हैं जीतिया में, और आप में कौन कौन जीतिया करती हैं, तो ये भी मुझे शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।